सीरियल साथ निभाना साथिया में आज सागर के साथ जो अनंत ने किया वो सीरियसली आपको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ सागर फिर से चाल चलने की कोशिश करता है, सबके सामने ये बताने की कोशिश करता है कि मुझे बोलने का मौका तो दो। दरअसल गहना अनंत भाई के कमरे में चोरी करने गई थी और इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैं वहाँ पर पहुँच गया, ये बात सागर कहता है। उसकी बहन को भी, यानी जो मछली बहू है, छोटी बहू जो है हेमा, उसे भी लगता है उसके भाई को जबरदस्ती मारा गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि मेरे भाई को मारा, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा भाई, घर की छोटी बहू के भाई को एक नौकरानी के लिए इतना मारा गया। लेकिन यहाँ पर अनंत गहना को बोलने का मौका देता है। ऐसे में गहना पहली बार सारा सच बताती है कि जो आज सागर ने किया है ये इससे पहले भी कई बार करने की कोशिश कर चुके हैं, और साथ ही बताती है कि किस तरह उस बच्ची के जरिए इन्होंने मुझे उस कमरे में बुलाया और वो बच्ची भी आती है और यहाँ पर सारा सच बताती है। बताती है कि कैसे सागर भैया ने कहा था कि गहना को अनंत अपने कमरे में बुला रहे हैं तो वहाँ पर भेज दो। यहाँ पर अब सागर का सारा सच आ जाता है और यहाँ पर अनंत सागर को घर से निकलने की बात कर देता है। हेमा इस बात पे बहुत नाराज़ होती है और गुस्सा होती है और कहती है मैं भी अपने भाई के साथ इस घर में नहीं रहूँगी। वो बाहर जाने लगती है, उसे लगता है लोग रोकेंगे लेकिन कोई भी उसे रोकता नहीं। ऐसे में वो जाना तो चाहती नहीं, वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊँगी। उसे पता है अगर बच्चों का नाम लूँगी तो दादा दादी ज़रूर रोक लेंगे, और ऐसे में फाइनली हेमा को रोक लेते हैं क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जाने देना चाहते। यहाँ पर अनंत सागर से कहेगा कि गहना के पैर छू के माफ़ी मांगो। पैर छू के माफ़ी मांगता है और साथ ही सागर जब इस बात के लिए पैर छूता है तो वो कसम खाता है कि वो गहना से इस बात का बदला लेके रहेगा। अनंत को लगता है कि इस घर में गहना इस तरह सेफ नहीं है, गहना की शादी कर देनी चाहिए। ये पूरी बात वो अपने माँ और बाबूजी से कहता है। उसके माँ और बाबूजी को भी लगता है कि अनंत बिल्कुल सही कह रहा है, गहना बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है और इनकी जिम्मेदारी है गहना की शादी कर देनी चाहिए। ऐसे में अनंत पूरे परिवार के सामने गहना का हाथ मांगता है शादी के लिए कि गहना क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे हाथ मांग रहा हूँ। जी हाँ, ये होता है शो में, और ये देखकर पूरे घर वालों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था 1% भी कि अनंत गहना से शादी करेगा, घर की नौकरानी से शादी करेगा। अब देखना यह है कि गहना का क्या जवाब होता है, ये कल के एपिसोड में ज़रूर पता चल जाएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।